सकीना क्रिएटिव कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए हम तैयार करेंगे सबसे पहले दूध। तो उसके लिए हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और दूध। पहले हम उसको बनाएंगे और लिया है क्रीम। सबसे पहले डाले गया इसमें हम दूध, 1/2 लीटर दूध का हम बना रहे हैं और 200 ग्राम क्रीम देंगे। अभी कॉर्नफ्लावर को हम थोड़ा पानी देके इसमें डालेंगे हम क्रीम। इसके अंदर हम इनको हम 200 ग्राम इसमें मिला दिया। ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है अभी से। हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर देंगे अंदर में। चीनी दे देंगे 1 वाट की और ये थोड़ा सा कम, 1 वाट की में पूरा भर के नहीं है। ये 2 प्याली हम चीनी दिया, मतलब पूरा एकदम भर के दिया और एक जरा सा एक कम। आधा प्याली और दे रहे क्योंकि ठंडा होने के बाद फीका लगता है हमको, इसलिए थोड़ा ये दूध को हमको मीठा बनाना होता है। ये हमारा दूध इतना गाढ़ा बन चुका है, अब चीनी पिघल जाएगा फिर हम गैस को बंद करेंगे। आप मीठा अपना चख के कर सकते हो, जितना मीठा खाते हो आप खा रहे हो उतना मीठा कर सकते हो आप। इसमें हम केसर फ्लेवर डाल रहे हैं, केसर का आइसक्रीम बनाएंगे हम। ये भिगा के हम रख दिया था कि पूरा फ्लेवर आ जाए इसका। इसके अंदर हम केसर का फ्लेवर दे चुके हैं, पिस्ता का। पिस्ता का हम पाउडर करके दे देंगे ठंडा होने के बाद। ये हमारा दूध कंप्लीट हो चुका है, अब हम गैस को फ्लेम को बंद कर रहे हैं। इतना गाढ़ा रखना है आपको।
एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। केसर पिस्ता का बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेगा। यह आइसक्रीम के लिए हमने दूध तैयार किया है, उसको थोड़ा सा हम ग्राइंड करेंगे, एक रस कर देंगे वो सबको पहले। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे, हम इसको तैयार करेंगे डिब्बा में डाल के। ये हमारा दूध तैयार हो चुका है, अब हम इसके अंदर रख के फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा केसर पिस्ता आइसक्रीम एकदम रेडी है, इसको अब फ्रिज में हम रखेंगे। उसके बाद हमको 3-4 घंटा रखना पड़ेगा फ्रिज में, फिर निकाल के आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको इस तरह पैक कर देंगे ताकि अंदर बर्फ के कण ना हो। ये हमारा पैक हो गया, अभी ये जाएगा फ्रीजर में। हमने जो आइसक्रीम बनाई थी वो एकदम बन चुकी है, अब उसको एक बार हम ग्राइंड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हमने आइसक्रीम जो बनाया था वो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। ये हमने बनाया है केसर पिस्ता, एकदम मस्त, आपको निकाल के दिखाते हैं। एकदम बाहर का क्वालिटी आइसक्रीम बना हुआ है। ये हमने फ्रिज में बनाया है और बहुत ही मस्त बनता है, खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। ये हमारा आइसक्रीम रेडी है। आज हम बनाए हैं केसर पिस्ता आइसक्रीम, एकदम टॉप बना हुआ है। इस तरह क्रीम के साथ बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह आराम से आप खा पाओगे। एकदम केसर का स्वाद भी अच्छा है, पिस्ता का स्वाद भी है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। ये कलर कोई आर्टिफिशियल नहीं है, केसर का ही कलर है और एकदम मजेदार बनता है। जिस तरह हमने दूध बनाया था, थोड़ा दूध 1/2 लीटर और 200 ग्राम क्रीम डाल के और अंदर कॉर्नफ्लावर दिया था 1.5 चम्मच, ऐसे ही आप बनाओगे। अंदर से देख लेना आप और इस तरह बनाओगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इस तरह अलग अलग तरह से आइसक्रीम बनाना भी मैं आपको बहुत तरह का सिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।